ये बड़ा अपडेट इस वक्त का महासमुंद से आपको बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का ये बड़ा बयान सामने आया है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का ये बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव जीत की पूरी उम्मीद है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू 52,757 वोटों से इस वक्त आगे चल रहे हैं। महासमुंद से ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं जहां कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू इस वक्त आगे चल रहे हैं। उन्होंने ये बयान दिया है कि चुनाव जीत की पूरी उम्मीद है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं महासमुंद सीट पर सातवें राउंड की जो काउंटिंग थी वो इस वक्त जारी है और ताम्रध्वज साहू यहां से आगे चल रहे हैं। बीजेपी की रूप कुमारी चौधरी भी 73,000 वोटों से लगभग पीछे नजर आ रही हैं। वहीं कांग्रेस के ताम्रध्वज साहू 52,757 वोटों से आगे चल रहे हैं और उन्होंने जीत की भी उम्मीद जताई है। अभी मैं शुरू धमतरी ही आया हूँ, इसके बाद गरियाबंद जाऊंगा, फिर महासमुंद जाऊंगा। लेकिन उधर की खबरें भी अच्छी है हमारी। यहाँ धमतरी और कुरुदवर थोड़ा सा अभी माइनस है पांचवा छठवा राउंड तक के, लेकिन धमतरी कवर कर लेंगे नीचे अभी चल के। कुरुद भी दूरी गेप जो बड़ा बढ़ा है वो कम होते जाएगा, ये हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जो क्षेत्र बचा हुआ है कुरुद का और धमतरी का दोनों कांग्रेसी बेल्ट बचा हुआ है और उसमें कवर करेंगे। बाकी 6 विधानसभा में हम लीड में चल रहे हैं, तो कुल मिलाकर के विश्वास है कि आखिरी तक हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। प्रदेश में भी कांग्रेस पिछड़ी सी दिख रही है। कांग्रेस के पिछड़ने का कारण क्या है अभी तो कह नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी देखा भी नहीं हूँ कौन कहाँ पीछे है, कौन कितना से आगे है। मैं न टीवी देख पाया हूँ, न जानकारी ले पाया हूँ। कारण धीरे से समझ में आएगा, अभी तुरंत तो कहना उचित नहीं है कि इस कारण से है। समीक्षा होगी तो पता चलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। महासमुंद से कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू का ये बयान सामने आया है। उन्होंने चुनाव जीतने की पूरी उम्मीद जताई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। साथ ही बता दें कि महासमुंद सीट से ताम्रध्वज साहू कई हजार वोटों से आगे चल रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो लगातार वो चुनाव जीतने का भी कयास जता रहे हैं।